टाइप्स के जो मेन फिल्टर्स है और उन्हीं को आगे कैटेगराइज किया गया है। तो वो जो मेन फिल्टर्स कौन से हैं वो एक अपने छोटी सी वीडियो के अंदर जानेंगे। तो चलिए गाइस ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए अभी अपने टॉपिक को अपन स्टार्ट करते हैं। मेन टाइप ऑफ फिल्टर्स पार्ट 14। इससे पहले 13 पार्ट्स है एक्सरे बेसिक्स के, जिसके अंदर अपन ने कवर किया है प्रोडक्शन ऑफ एक्सरे, डिस्कवरी ऑफ एक्सरे, जिस जो बेसिक्स कंसेप्ट है ये सारे वहाँ कवर हो चुके हैं। आप डायरेक्ट जाके पहले चेक कर सकते हैं, अपने चैनल पर मिलेगी। तो चलिए गाइस यहाँ एक्सरे फिल्टर्स अपने को इस तरह को देखने को मिलेंगे। ये देखिए गाइस एक्सरे ट्यूब के बाहर जैसे जहाँ अपनी जो एक्सरे आ रही है, एक्सरे बीम आ रही है, जहाँ से ट्यूब विंडो बोलते हैं, वहाँ एक फिल्टर लगा होगा, वो मेनली एल्युमिनियम का होगा। एल्युमिनियम क्यों यूज करते हैं वो इस वीडियो में अपन आगे जानेंगे। तो चलिए गाइस देन दो टाइप के फिल्टर जो मेन है, सबसे फर्स्ट है इनहेरेंट फिल्टर। इनहेरेंट मींस प्री इंस्टॉल्ड इन एक्सरे ट्यूब कंपोनेंट्स। जैसे एक्सरे ट्यूब के कंपोनेंट्स हैं उनमें ये मेनली अपने को मिलेगा, जैसे विंडो, उसके बाद ग्लास इनक्लोजर या फिर कूलिंग ऑयल्स। ये क्या है, इनहेरेंट फिल्टर्स है। जैसे कूलिंग, जैसे विंडो है, विंडो किसकी, बेरिलिनियम की बनी है, तो वो कुछ ना कुछ क्या करेगी, इनको सेफ प्रोवाइड करेगी। और साथ ही साथ में विंडो से क्या होगा गाइस, अपने को एरिया मिलेगा कि हाँ इस एरिया से बस इसी इतना ही निकलेगा, और उसी के अंदर अपने को कोलिमीटर देखने को मिलेगा। साथ में उसके अंदर ग्लास एनवलप होगा। ग्लास एनवलप क्या करेगा कि जो भी अपनी एक्सरेज आ रही है वो एक पॉइंट से पास आउट हो जाए, या फिर बोल सकते हो गाइस उसके अंदर स्कैटरिंग ना हो इधर उधर। फोकसिंग कप भी लगा होगा, वो क्या करेगा उनको एक पॉइंट पे रिडायरेक्ट करेगा, एनोड से फिर एक तरफ आएंगे। अगर ग्लास एनवलप नहीं लगा होगा तो वहाँ ट्यूब के अंदर वैक्यूम नहीं होगा, वैक्यूम नहीं होगा तो एयर होगी, एयर के कारण फिर क्या होगा इनका कोलिजन होकर फिर अपने को एक्सरे की क्वांटिटी और क्वांटिटी नहीं अच्छी नहीं देखने को मिलेगी। देन इसकी थिकनेस देखने को मिलेगी 0.5 mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंट। अगर फिल्टर्स की अगर इनको डिफाइन करना होगा तो रेंज में, तो इनकी रेंज में देखने को मिलेगी mm एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस। मीन्स यहाँ इनकी थिकनेस कितनी होगी इनहेरेंट फिल्टर्स की, 0.5 एल्यूमिनियम इक्विवेलेंस। कई बार एग्जाम्स में ये बेसिक चीज़ें पूछ लेते हैं, मीन्स इनहेरेंट की 0.5 mm। देन एडेड फिल्टर्स, एडेड फिल्टर्स वो होंगे गाइस जैसे एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब के अंदर प्री इंस्टॉल कौन कौन से अपने को देखने को मिलेंगे, जैसे कूलेंट ऑयल, ये ट्यूब विंडो, ट्यूब ग्लास, ये देखने को मिलेंगे। देन अभी एडेड फिल्टर क्या है अपने एक्सरे ट्यूब के बाहर देखने को मिलेंगे, जैसे आप बोल सकते हो कोलिमीटर। कोलिमीटर क्या करेगा, जो अपने एक्सरे बीम आ रही है उसको कोलिमीट कर देगा, मतलब जितना अपने को एरिया चाहिए वो एरिया ही कवर कर पाएंगे उससे, जो भी अपना एक्स्ट्रा रेडिएशन है उसको ये क्या करेगा रास्ते में ही बंद कर देगा। देन ये एडेड फिल्टर मेनली अपने को एल्युमिनियम या कॉपर के देखने को मिलेंगे, और जो इनकी थिकनेस होगी वो मेनली देखने को मिलेगी 1 से लेके 1.5 mm एल्युमिनियम इक्विवेलेंट। ठीक है गाइज, अगर इनहेरेंट की बात करें 0.5 mm एल्युमिनियम इक्विवेलेंस में मिलेंगे, और अगर इनकी थिकनेस की बात की जाए तो 1 से लेके 1.5 mm एल्युमिनियम के रेंज में देखने को मिलेंगी एडेड फिल्टर। देन व्हाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम हेयर, ये देखोगा ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ देखो कॉपर का एटॉमिक नंबर कितना होगा 29, एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर कितना होगा 13। मीन्स ये देखो इन दोनों के लो एटॉमिक नंबर्स है, लो एटॉमिक नंबर से तो ये क्या करेंगे, ये बेस्ट एनर्जी अब्जॉर्वर होंगे, जो ये लो फोटॉन्स की एनर्जी उनको बहुत बेस्ट तरीके से अब्जॉर्व कर देंगे। सेम लाइक बेरिलिनियम का यूज करते हैं, क्योंकि बेरिलिनियम का क्या होगा गाइस एटॉमिक नंबर कम है, तो वो क्या करेंगे लो फोटॉन्स को या फिर बोलते हो हाई फोटॉन्स को अब्जॉर्ब नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए अपने को एक अच्छी क्या मिलेगी रेडिएशन मिलेगी। वहीं अगर अपना बोल सकते हो ट्यूब ग्लास में जो ट्यूब विंडो है या फिर कुछ ऐसा अपना मटेरियल यूज करते हैं जो एक्सरे को खुद अब्जॉर्ब करते हैं, तो वो अपनी रेडिएशन वहाँ कम हो जाती ना। तो सेम लाइक ये कंसेप्ट यहाँ होगा, कॉपर और एल्युमिनियम का क्या है एटॉमिक नंबर लो है और इनका वेट भी लेस है। अगर इनका वेट भी लेस होगा तो अपनी एक्सरे ट्यूब क्या होगी इजी टू हैंडल होगी ना, मतलब और लाइट वेट भी देखने को मिलेगी। देन नेक्स्ट पॉइंट आ रहा है टोटल फिल्ट्रेशन। व्हाट इज टोटल फिल्ट्रेशन, टोटल फिल्ट्रेशन इज द कॉम्बिनेशन ऑफ इनहेरेंट एंड एडिशनल फिल्ट्रेशन। अभी पूछ रहे थे टोटल फिल्ट्रेशन कितनी हो रही है, तो ये देखो गाइस इनहेरेंट फिल्टरेशन मींस कूलेंट ऑयल लगा है, ट्यूब विंडो लगी है, ट्यूब एनवलप है, उनसे फिल्ट्रेशन हो रही है, मींस वहां क्या हो रहा है स्कैटरिंग वगैरह सारी अब्जॉर्प्शन सारा कंसेप्ट वहाँ यूज हो रहे हैं। साथ साथ एडिशनल फिल्टर भी क्या कर रहे हैं, कुछ ना कुछ अब्जॉर्प्शन इसका कर रहे हैं, अब्जॉर्व कर रहे हैं ना जो लो फोटॉन्स है उनको और अपने को हाई बीम दे रहे हैं। तो इन दोनों को अगर कंबाइन किया जाएगा तो वो बन जाएगी अपनी टोटल फिल्ट्रेशन। देन अगर एज पर यूएस गाइडलाइंस एक्सरे ट्यूब रिक्वायर एटलीस्ट 2.5 mm ऑफ एल्युमिनियम टू ऑपरेट एक्सरे ट्यूब एट 70 kVp। अगर 70 kVp पे अगर अपने एक्सरे ट्यूब को ऑपरेट करना है तो वहां अपने को मेनली एल्युमिनियम का जो फिल्टर देखने को मिलेगा उसकी थिकनेस देखने को मिलेगी 2.5 mm ऑफ एल्युमिनियम इक्विवेलेंस। ये रेंज अपने को देखने को मिलेगी, ये रेंज ना कई बार एग्जाम में पूछ लेता है, जैसे एडेड फिल्टर में अपनी कितनी थी यहाँ 1.5 mm एंड देन उसके बाद इनहेरेंट के अंदर 0.5 mm, ये एक बार थोड़ा सा याद रखना आप। देन उसके बाद इन मैमोग्राफी, मैमोग्राफी के अंदर वी यूज मोलिब्डेनम फिल्टर्स।
यहाँ ये देखो गाइस, मेमोग्राफी के अंदर क्या करें हैं, मोलिब्डेनम फिल्टर्स, जो नॉर्मल जो अपन एक्सरे अपन बोल सकते हो रेडियोग्राफी है, अपने रूम में जो मशीन पड़ी है तो उनके अंदर एलुमिनियम है, लेकिन मेमोग्राफी के अंदर मोलिब्डेनम फिल्टर्स यूज करें बिकॉज इट रिड्यूस द नंबर ऑफ हाई एनर्जी एक्सरेज। मोलिब्डेनम क्या करेगा, हाई एनर्जी एक्सरे उसको एब्जॉर्व कर लेगा, इसके अंदर के एच का कंसेप्ट है वो लगेगा। के एच का कंसेप्ट क्या है वो भी जो नेक्स्ट वीडियो ना उसके अंदर इसको आप कवर करेंगे, इसलिए बोलता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप इस तरह की वीडियो को इन फ्यूचर मिस ना कर सको। देन क्या करता है, जैसे हाई एनर्जी फोटोन्स है उनको अब्जॉर्व कर देगा मोलिब्डेनम फिल्टर, तो क्या होगा अपने को कॉन्ट्रास्ट इंप्रूव देखने को मिलेगा, क्योंकि फीमेल ब्रेस्ट मेनली फीमेल ब्रेस्ट की अपना मेमोग्राफी होगी मेनली, ये अपने को पता है शुरू से अपना कंसेप्ट ये पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें क्या होगा सॉफ्ट टिश्यूज की अपनी स्टडी करनी होगी और यहाँ हार्ड एक्सरेज का ज्यादा कंसेप्ट नहीं होगा, और ये सॉफ्ट एक्सरेज है ना वही अपनी फीमेल ब्रेस्ट को अच्छे तरीके से प्रेजेंट कर देगी। तो ये क्या करेगी, ये हाई एनर्जी फोटोन्स को ये मोलिब्डेनम फिल्टर्स अब्जॉर्व कर लेंगे। देन क्या है गाइस, द मोलिब्डेनम फिल्टर इज 0.3 mm, इसकी रेंज कितनी होगी थिकनेस 0.3 mm का इसके अंदर थिकनेस देखने को मिलेगी। नेक्स्ट कंसेप्ट इज फिल्ट्रेशन रिड्यूस द इंटेंसिटी बट नॉट दैट मच। एक्सरे फिल्टर्स क्या करेंगे, जो अपनी एक्सरे से उनकी इंटेंसिटी को कम कर देंगे, इट मीन जो लो एनर्जी फोटोन्स और हाई एनर्जी फोटोन्स का मिक्सअप था ना उसको लो एनर्जी फोटोन्स को ये अब्जॉर्व कर देंगे, तो वहाँ क्या होगा उनकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी, लेकिन इंटेंसिटी तो कम होगी लेकिन एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी, ये चीज़ याद रखना। देन उसके बाद कह रहे हैं कि ये नेक्स्ट पॉइंट इसी में है, सिंस लो एनर्जी फोटोन्स आर रिमूव फ्रॉम पॉलीक्रोमेटिक बीम, ये बात आप पहले कवर कर चुके हैं कि लो एनर्जी फोटोन्स वहाँ रिमूव हो जाएंगे और उससे क्या होगा, द यूज ऑफ फिल्टर्स टू अल्टर द शेप ऑफ बीम स्पेक्ट्रम इज नोन एज बीम हार्डनिंग, और एक्सरे फिल्टर्स का यूज करके जो आप वहाँ एक बीम बनाते हैं, एक बीम स्पेक्ट्रम बनता है, मींस हाई एनर्जी फोटॉन्स का जो स्पेक्ट्रम बनता है उसको बोलते हैं अपन बीम हार्डनिंग, मींस सॉफ्ट एक्सरेज को अपन वहां रास्ते में खत्म कर देंगे और अपनी हार्ड एक्सरे हो जो वो पास आउट हो जाएगी, तो इस कंसेप्ट को बोलेंगे बीम हार्डनिंग। देन कह रहे हैं कि विद फिल्टरिंग द एक्सरे एनर्जी इज इंक्रीज एंड द पेनिट्रेटिंग पावर इज स्ट्रॉगर, देन कह रहे हैं कि फिल्ट्रेशन से बेनिफिट ये होगा कि एक्सरे की एनर्जी इंक्रीज होगी, मतलब तो इंटेंसिटी थोड़ी बहुत उनकी कम होगी लेकिन एनर्जी इंक्रीज होगी, बिकॉज सारे क्या होंगे अपने को हाई एनर्जी फोटोन्स देखने को मिलेंगी, और अगर हाई एनर्जी फोटोन्स देखने को मिलेंगे तो उनकी एक्साइटेशन स्टेट ज़्यादा होगी, तो वो क्या होगी उनकी पेनिट्रेटिंग पावर भी अपने को ज़्यादा देखने को मिलेगी, और बॉडी के अंदर क्या होगा मेनली 80% स्किन डोज है उसको भी कम कर देंगे फिल्ट्रेशन से, 70-80% स्किन डोज अपनी कम हो रही है अगर आप फिल्टर्स का प्रॉपर यूज कर रहे हैं। तो आज के वीडियो में इतना, जब भी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में उस वीडियो में आप बात करेंगे कौन कौन से जो एक्स्ट्रा फिल्टर्स रहते हैं ना अपने, जो मेन तो ये हो गए अपने एडिड और इनहेरेंट, अभी एडिड में कौन कौन से आते हैं उनको भी आगे आने वाली वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, ओके थैंक यू फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में।